हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद इंजीनियरिंग मेथड्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इस टेंस में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हम काम के ऊपर फोकस करते हैं कि जो काम होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों जो काम होता है उसके खत्म होने के ऊपर फोकस किया जाता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ सेंटेंसेस की मदद से, देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंशिएट किया जाता है। इसी में दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों देखिए, मैंने देखा, आई सॉ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो दोस्तों देखने की तरफ फोकस हो रहा है। मैंने क्रिकेट मैच देखा, आई सॉ द क्रिकेट मैच। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों मैंने देखा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस आज की प्रेजेंट सिचुएशन में मैंने किसी भी चीज के बारे में जो बात हो रही है वो मैंने देखा है। आई हैव सीन, मैंने देख लिया है। आई हैव सीन, या फिर हम कह सकते हैं आई हैव चेक्ड, मैं देख चुका हूँ। आई हैव सीन, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से तीन सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे तीन एग्जांपल, और तीनों के ही इंग्लिश सेम है। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मैंने खेला, आई प्लेड। मैंने कल खेला, आई प्लेड यस्टरडे। ये पास्ट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने खेला है, आई हैव प्लेड। इसमें दोस्तों अगर आप कोई आपसे कहता है कि आपने क्या क्रिकेट खेला है या वॉलीबॉल खेला है, तब आप इस तरीके सेंटेंस बोलते हैं कि मैंने खेला है, आई हैव प्लेड। मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। दोस्तों आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि तीन सेंटेंसेज है, तीनों की इंग्लिश सेम है। आज तक दोस्तों हम जो इंग्लिश सीखते थे वो चुका है, चुकी है, इस तरीके से सीखते थे, लेकिन दोस्तों इस तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप प्रैक्टिस कीजिए, और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैंने पढ़ा, आई रेड। मैंने कहानी पढ़ी, आई रेड द स्टोरी। ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, मैंने कहानी पढ़ी है, आई हैव रेड द स्टोरी। यहाँ पे एक स्टोरी की बात हो रही है दोस्तों, या हम इस तरीके से कह सकते हैं, मैंने पढ़ा है, आई हैव रेड। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव रेड। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंशिएट को समझा है। दोस्तों हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो उसमें हम जो हमारे काम होता है, जो एक्टिविटी होती है, उसके ऊपर फोकस होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम है उसके खत्म होने पर हमारा फोकस होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमने इंग्लिश स्पीकिंग में, जब हिंदी में जब सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों वो किसी और तरीके से बनाते हैं और उसकी इंग्लिश दूसरे तरीके से होती है। आप यहाँ पे चारों एग्जांपल में देख सकते हैं किस तरीके से हमने सेंटेंस बनाई। पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों एग्जाम्पल है, उसने पीछे किया, ही फॉलोड। उसने मेरा पीछा किया, ही फॉलोड मी। प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों, उसने मेरा पीछा किया है, ही हैज फॉलोड मी। उसने मेरा पीछा कर लिया है, ही हैज फॉलोड मी। वह मेरा पीछा कर चुका है, ही हैज फॉलोड मी। दोस्तों तीन एग्जाम्पल, और तीन ही एग्जाम्पल में दोस्तों जो काम है जिसके बारे में बात हो रही है उसके खत्म होने पे फोकस किया गया है। और पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों उसने मेरा पीछा किया, पीछे करने के ऊपर फोकस हो रहा है। तो दोस्तों आप सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंशिएट है। और आपने नेक्स्ट टाइम जब भी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ये आपको पता है। दोस्तों आप टेंस रिलेटेड वीडियो, सिंपल सेंटेंसेस और ब्रिटिश एंड अमेरिकन एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।